यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंसुलेटर इज ऑफ द सेम ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंसुलेटर इज ऑफ द सेम ऑर्डर एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर व्हाट इज देन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अच्छा क्वेश्चन है ना भाई, यहाँ पे फर्क क्या है? मान लो तुमने दो बॉडी ले ली है ना, जैसे मान लो ये पे ले, मान लो है ना दो बॉडीज ले लो है ना, ये तुम्हारी इंसुलेटर है ना, ये मान लो तुम्हारा कंडक्टर है ना, कुछ भी हाइपोथेटिकल बना लेते ना। मान लो इसमें 100 बिलियन है, इसमें 100 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी 100 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स है, फिर अपन बोलते हैं भाई इसके इसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता, इसमें कर सकता है ना, तो क्या है इसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, इसमें कर सकता है, जब दोनों में बराबर इलेक्ट्रॉन है तो क्यों नहीं कर सकता? अबे क्योंकि अगर मैं आइडियल इंसुलेटर बोलूं तो इसमें सारे के सारे बाउंडेड है, 100 बिलियन के 100 बिलियन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है ये, है ना, असलियत में सारे नहीं होते ना क्योंकि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता ना, है ना, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स अपन आइडियली बोले तो ना, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, मतलब सबको न्यूक्लियस ने पकड़ रखा है, दे आर नॉट फ्री टू मूव। अब कंडक्टर के केस में क्या होता है, जैसे 100 बिलियन है ना, ऐसे एग्जांपल जस्ट टू टेक एन आइडिया, 90 बिलियन 100 में से 90 बिलियन तुम्हारे बाउंडेड है, मतलब वो तुम्हारे मूव नहीं कर सकते, इसमें भी 90 बिलियन मूव नहीं कर सकते अराउंड, है ना, ऐसे रैंडम आइडिया ना, रैंडम आइडिया लेना, ये बाउंडेड है भाई, इनको न्यूक्लियस ने पकड़ रखा है, बाकी के जो 10 बिलियन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अपन इसको ही और अच्छे लेवल पे डिफाइन करते हैं तो ये तुम्हारे कहलाते हैं भाई बैलेंस बैंड के अंदर, ये कहलाते हैं कंडक्शन बैंड, है ना, बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड का आइडिया अपन सेमीकंडक्टर में पढ़ते हैं ना, वो ज्यादा अच्छी थ्योरी है जो ज्यादा अच्छे से हमको समझाता है ना कि कोई चीज क्यों कंडक्टिंग कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर इंसुलेटर है ना, बट आसान भाषा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये कहीं भी कंडक्टर, मतलब समझो जैसे नदी के अंदर मछली कहीं भी जा सकती है ना, ऊपर नीचे कहीं भी घूम सकती है, वैसे कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी घूम सकते हैं, दे आर फ्री, वो किसी के किसी एक न्यूक्लियस के नहीं है, किसी एक न्यूक्लियस के नहीं है भाई, वो कहीं भी ऐसे उनके लिए नदी है, ये कहीं भी तैर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स में, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स ना, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, उनको पकड़ रखा है, उनको होल्ड करके रखा है ना, न्यूक्लियस पकड़ के रखता है ना, जैसे है ना पेरेंट्स कई बार होल्ड करके रखते, पर कोई बच्चे अलग ही लेवल पर निकल जाते, वो कहीं भी भागते रहते, तो ये समझ लो है ना, वो क्या बोलते हैं है ना, रिवोल्ट करने वाले ना, रिवोल्ट करने वाले बच्चे हैं ना, ये डिसिप्लिन बच्चे हैं, ये न्यूक्लियस के साथ रहते हैं, ये कहीं भी घूमते रहते हैं, आवारा बच्चे। चलो भैया ना, हाँ आ जाओ, तो आई थिंक ये क्लियर करता है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई दोनों में फर्क क्या है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फर्क है, फ्री इलेक्ट्रॉन वो चीज है जिससे जो मूव कर सकते हैं ना, बाउंडेड नहीं कर सकते,